मेरा नाम साजिद खान है और शालम तहसील से ताल्लुक़ है। जैसे आपको पता है हम निकले थे जुमे वाले दिन एहतजाज करने के लिए। जब हम डी चौक पहुंच गए तो सीएम साहब को ये तो है ही दो कबाज स्टेब्लिशमेंट है ही दो कबाज कॉल किया, उसको मीटिंग के लिए बुलाया, मुलाकात करने की खबर चली मीडिया पे। जब वो मुलाकात के लिए गए तो उसके बाद रेंजर और पुलिस और बाकी फौज जो आजकल फौज नहीं है बदमाश बन चुकी है सबको पता है वो चले गए और तोड़ फोड़ करके रात को वीडियो भी आई तस्वीर भी आई और सीएम साहब को अरेस्ट कर लिया। अब ये बहाने बना रहे कि एजेंसियाँ ढूंढ रही है सीएम साहब को, सीएम साहब को आपने अरेस्ट किए, पहले भी दो बार सीएम साहब अरेस्ट हो चुके हैं, हाउस अरेस्ट किया, आज भी इन लोगों ने किए, लेकिन इसमें शर्म और हया नहीं है। एक सूबे के 4 करोड़ आवाम का नुमाइंदा इस लोगों ने अरेस्ट कर दिए, एक सूबे के मैंडेट की ये लोग कोई सब्र इसमें नहीं है और ना इसमें अखलाकियत की कोई जवाब है। इस लोगों में शर्म नहीं है सीएम साहब को अरेस्ट किए। हम मुतालबा करते हैं ताकतवर लोगों से चाहे सीएम साहब को रिहा कर दिया जाए। और आपको पता है हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लीडर इमरान खान हमेशा हमें कहते हैं कि पुरमन रहे, एहतजाज करें, अपने हकूक़ के लिए लड़े। हमने कभी भी इंतशार की सियासत नहीं की, लेकिन ये लोग हमें मजबूर कर रहे हैं इंतशार पे। हमारे जल से कोई इजाज़त नहीं तो वो जल से फिर इंतशार में तब्दील हो जाते हैं, हमारे दर ने कोई इजाज़त नहीं हो तो फिर इंतशार में तब्दील जाए। एहतजाज तो हमने करना था, ये इजाज़त देते सड़कें खुले तो एहतजाज करना था और 5 बजे ख़त्म हुआ था, लेकिन इन लोगों ने वही किया और एहतजाज पे शिलिंग की मुसलसल 2 रात इन लोगों ने शिलिंग की और वो एहतजाज इंतशार में तब्दील हो गया। हम ताकतवर लोगों से ये मुतालबा करते हैं कि सी एम साहब को जल्दी जल्दी रिहा कर दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले मेरा नाम एहसानुल्लाह है, मैं पी टी आई सबसे ताल्लुक़ रखता हूँ। जो पहली बात यह है कि जिस तरह अली इमरान गंडपुर की गिरफ्तार हुई और शानदारा गुलजार को स्वीट कर ले गए और अली इमरान खान के बहनों को उठा कर ले गए, ऐसे तो मैं इस तरह नहीं होता। सबसे पहली बात यह है कि इस तरह गिरफ्तारी नहीं होती, इसको अगवा करने कहते हैं और इसकी हम जदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। इस तरह गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए और सबसे बड़ी बात जो है वो एक सूबे का वज़ीर आला है, ठीक है, कानून के मुताबिक अगर उसको हम देखा जाए तो उसको किसी सूरत आप गिरफ़्तार नहीं कर सकते जब तक उसको उस रड़ा की सीट से हटाया नहीं जाता। ये हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं, जिसने भी गिरफ़्तार किए हुए वो सबको पता है, हमको भी पता है कि जिसने गिरफ़्तार किए हुए। दूसरी बात एहतजाज के हवाले से, आज का हम एहतजाज इसके हवाले से कर रहे हैं कि इनको जिस तरह गिरफ़्तार किया गया, ये बेड़ बकरों की तरह उसको जो है ना सीट के ले गए, ये कोई बात नहीं होती, ठीक है। ये कोई मतलब कोई भी हुकूमत इस तरह नहीं करना चाहेगी, लेकिन ये हुकूमत इस तरह कर रही है जो कि बहुत ही बड़ी ज़्यादती कर रही है। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि एहतजाज आप लोगों ने क्यों किया, ये हमारा ही नहीं हक है, हम करेंगे। हमारी 3 आसान मुतालबात है। सबसे पहले मुतालबा यह है कि इमरान खान को रिहा करो, दूसरा यह है कि हमारा मैंडेट वापस करो, तीसरा यह है कि जो तरमीम आप करना चाह रहे हैं इसको आप डिले करें। अगर 25 अक्टूबर से आप डिले करेंगे तो कोई आफत नहीं पड़ जाएगी, ठीक है, इसको आप डिले करें तो उसके बाद करेंगे। मतलब नवाज शरीफ ने पिछले दिनों में कहा कि ये बेड़ बकरे इमरान खान के पीछे चल रहे हैं, बेड़ बकरे तो आपके पीछे हैं, ठीक है, ये जो आइन का मुसविदा है इन्होंने पढ़े बगैर वो आपको वोट डाल रहे हैं, ये अच्छी तरह बेड़ बकरे, ठीक है, और इनको ना ये पता है कि तरमीम में क्या है, इसमें जो है ना सुप्रीम कोर्ट पर कुलआम हमला हो रहा है, इनको ये नहीं पता है कि इस मुसविदे में क्या लिखा है, वो आपको वोट डालने के लिए तैयार है। असल में बेड़ बकरे तो ये अवाम बेड़ बकरे नहीं है, अवाम जाग चुकी है, अवाम के अंदर शऊर आ चुका है, इमरान खान उनके अंदर शऊर डाले हुए हैं, तो आप उनको बेड़ बकरे नहीं कह सकते इस हवाले से। मेरा नाम अरमान अली है और सबसे पहले मैं ये बात बता दूं, ये जो कह रहे गिरफ्तारी है ना, अगर कानून आइन जो आप लोग ये बता रहे हैं ना, जो कह रहे हैं कि यार जो शरीफ खानदान ये लोग बोलते हैं, जो इसका पाकिस्तान का निज़ाम आइन है, ये कह रहे कानून, ये कौन सा कानून में लोगे? अगर आप एक केपी के सीएम को गिरफ्तार कर रहे हो, अगर कानून में आप देख लो सीएम को गिरफ्तार नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक पहले वो नाहल होगा फिर उसके बाद उनका गिरफ्तारी होगा। ये कौन सा कानून है कि आप एक सीएम को बारे में कि उसने जीता है, उसका पिशावर का वजीर आला है अमीन गंडापुर, हरिस क्यों किया है? और अगर ये कहते हैं कहने कि यार ये है वो है वो, तो इसका बाप का पाकिस्तान तो नहीं है कि बाप का पाकिस्तान है? अगर इनके बच्चों का मुस्तकबिल है तो हम भी मिस पाकिस्तान के नौजवान है, हमारा भी मुस्तकबिल है। ये चोरी डाकू नहीं, इन लोगों का सिर्फ ख्याल है। वो एक कहावत कहता है ना कि लश्कर भी इनका है, कानून भी इनका है और सारा निज़ाम इनका है, लेकिन सोने पख्तून ज़्यादा देर नहीं रुकेगा। हम इसके बाप से भी आज़ादी लेंगे, इसके नाने से भी लेंगे, पहले भी लिया है और आगे भी लेंगे। और ये अगर सोचते हैं कि यार पठान वो कौम है, इसने अंग्रेज़ों को भी भगाया है, सब लोगों को भगाया है, ये इंशाल्लाह इन लोगों को भी भगाएगा, एक दिन हमारे सर पर ताज होगा, इन पर राज होगा इंशाल्लाह। हम इसको यही बता रहे हैं कि इंपोर्टेंट हुकूमत अमीन गंडियापुर को रिहा करो, अगर नहीं रिहा करेगा तो एक एक सौ घर से उठा के बाहर लगाएंगे। हम जानते हैं राना सनाउल्ला का घर भी, हम जानते हैं रेवंड में नवाज शरीफ का घर भी, हम जानते हैं इमरान खान के लिए जान देगा, और जान देगा भी, हम उनके सिपाही है। इमरान खान हमारे लिए बस सबसे बड़ा, हमारा जान का कोई कीमत नहीं, इमरान खान हमारे लिए कीमत ही है। हम बिल्कुल तैयार होगा, हम पीछे कभी नहीं हटेंगे, सही है। इन वतन में पाकिस्तान में ये तारीख के पठानों ने हर जगह कुर्बान, तो हम तैयार है, क्योंकि इमरान खान सच पर है, वो एक पूरा मुस्लिम उम्मत का जो है ना लीडर है, वो इमरान खान के साथ ही हमारा जान भी कुर्बान है, उसके लिए जान भी ले लेंगे।
سب سے پہلے تو میرا نام سلمان عالم ہے اور میں تحصیل شالم کا سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں. بات آپ نے جو کی علی امین گنڈاپور کی گرفتاری کی, یہ فارم 47 کی حکومت ہے. جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ پر حملہ کس نے کیا ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ پر حملہ کس نے کیا ہے, پارلیمنٹ پر حملہ کس نے کیا ہے, یہ وہ غدار لوگ ہیں جو غدار ابن غدار کے لوگ ہیں. آج تک پاکستان کی تاریخ میں آج تک کبھی یہ نہیں ہوا کہ صوبے کا وزیر اعلیٰ گرفتار ہوا یا اس کو اغوا کیا. یہ کون سے قانون ہے, یہ کون سے آئین میں لکھا ہے, یہ اور یہ کون کرتا ہے؟ آپ سب کو پتا ہے ہمارے ساتھ جو ریاست کا رویہ ہے, پتہ نہیں ہم پاکستانی نہیں ہے. سب سے زیادہ قربانی جو ہے نا ہم پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں نے دیا ہے. آج تک ہمارے لیڈر نے, آپ کو پتہ ہے, آپ سب کو پتہ ہے, آج میڈیا بھی خاموش ہے. کیوں؟ علی امین گنڈاپور نے تو کوئی ایٹم بم جو ہے نا اسلام آباد پر کوئی حملہ تو نہیں کیا ہے. ہمارا حق ہے احتجاج کرنا. اور یہ بات یاد رکھنا, ان بند کمروں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے اور پاکستان کے مستقبل کے جو فیصلہ کرتے ہیں آئین میں ترمیم کے فیصلے, یہ لوگ کون ہیں؟ آپ سب کو پتا ہے کس یہ لوگ کون کرتا ہے اور کس کے کہنے پہ ہوتا ہے, وہ ہم سب کو پتا ہے. انشاءاللہ خون کے آخرے قطرے تک ہم عمران خان اور علی امین گنڈاپور کے ساتھ رہیں گے. آپ کو تو پتا ہے, اس سے زیادہ مجھ سے زیادہ آپ کو پتا ہے کہ کیفی پولیس جو ہے نا وہ آئی جی کے انڈر میں ہوتے ہیں, اور یہاں پہ جو ہے نا چیف سیکرٹری کون ہے آپ کو پتا ہے. ہمارا وزیر اعلیٰ بار بار کہتے ہیں کہ ہمارا آئی جی تبدیل کرو, چیف سیکرٹری تبدیل کرو. ہم منظور پشتون کے ساتھ ہیں جو امن کی بات کرتے ہیں, جو حق اور سچ کی بات کرتے ہیں. ہم ان لوگوں کے ساتھ ہیں, چاہے جس کا مذہب, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ مسلمان ہو, جو بھی ہو, جو امن اور انصاف اور حق کی بات کرتے ہیں عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا ہر قائدین اس کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. یا کن عبد و یا کن السعین, بات ایسی ہے کہ جس ملک میں آئین اور قانون کی پاسداری نہیں ہوتی وہاں پہ غنڈا راج ہوتا ہے. یہ غنڈا راج کون ہے؟ یہ نواز شریف اینڈ کمپنی ہے, یہ سب کو پتا ہے. اور یہ جو ہمارے سی ایم صاحب کو اغوا کیا گیا ہے, یہ غیر قانونی اور غیر آئینی حرکت ہوئی ہے, اس کا ہم سختی سے مذمت کرتے ہیں. اور وہ مرد مجاہد جو بے گناہ جیل میں پڑا ہوا ہے, وہ ان کی زبردستی قید میں پڑا ہوا ہے, اس پہ کوئی جرم نہیں, وہ مجرم نہیں, وہ امن کا پاسدار ہے, وہ قوم کا ترجمان ہے, اس نے حقیقی ترجمانی کی ہے اس قوم کی. ہم اسی کو مانتے ہیں, کیونکہ جو آدمی لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتا میری نظر میں وہ مسلمان ہی نہیں. دیکھیں بات ایسی ہے کہ عوام نے, ہم لوگوں نے اس ناجائز فارم 47 کی حکومت کو 8 فروری کو رد کر دیا تھا, ردی کی ٹوکری میں ان کو پھینک دیا تھا. یہ جتھا زبردستی قابض ہوا ہوا ہے, اور کون لایا ہے یہ سب کو پتا ہے. اور ہم اس کے خلاف اس کی شدید مذمت کرتے ہیں, اس کو منظور ہی نہیں کرتے ہیں. ہم حق سچ کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں اور کھڑے رہیں گے جب تک جان ہے خان کے نام ہے. میں ایک پشاور کا ورکر ہوں خان کا, اور علی امین گنڈاپور کو ان لوگوں نے ایک غیر قانونی طور پر اغوا کیا ہے. اس کو ضمانت ہوا ہے پشاور ہائی کورٹ سے, لیکن پھر بھی ان لوگوں نے کے پی ہاؤس پر حملہ کیا ہے. اس پر ہم مذمت بھی کریں گے, مزاحمت بھی کریں گے. یہ غنڈا گردی ہے. یہ آئی جی پنجاب جو ہے نا, یہ رانا ثناء اللہ محسن نقوی, یہ لوگ ابھی بدماش بنے ہوئے. ان کا بدماشی کا ہم ان کا جواب ان کا بدماشی کا پتھر سے ہم دیں گے ان کو. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پرامن ہیں, ہمارا لیڈر پرامن ہے, اس نے ہمیں پرامن رہنے کا درس دیا ہے. ہمارا اسلام آباد ڈی چوک میں ایک احتجاج تھا, ہمارا نہ دھرنا تھا نہ اور کچھ تھا, لیکن ان لوگوں نے ہمارے احتجاج دھرنے میں مجبور کرنے کی کوشش کر دی کہ ہمارا احتجاج دھرنے میں تبدیل ہو جائے. ہم ان کو کہتے ہیں کہ ابھی احتجاج نہیں, دھرنا ہوگا. اور اس دھرنے پر ہم نے 2 دن مزاحمت کیا ہے, 2 دن ہم ڈی تو پہنچے تھے, لیکن ہمارے قیدی نے ہمیں کہا ہے کہ پشاور پہ بھی یہ لوگ گورنر راج کی کوشش کریں. ہم پشاور پہ بھی بیٹھے ہیں, اگر کوئی گورنر راج کی کوشش کرے گا نا تو ان کا جواب پتھر سے دیں گے. یہاں پر ہم کھڑے ہیں, اگر کوئی بھی گورنر راج کا کوشش کرے گا نا تو ان کو ہم بتائیں گے کہ گورنر راج کون لگاتے. اور آئی جی صاحب سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ عوام کے حقوق کے ساتھ, عوام کے دلوں کے ساتھ مت کھیلے. عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے ہر کسی کو پتہ ہے. آپ منظور پشتون پر آپ لوگ شیلنگ کرتے ہو, آپ وزیر اعلیٰ کو کہ عوام کو نظر کرتے ہو کہ وزیر اعلیٰ کرے, لیکن وزیر اعلیٰ بھی منظور پشتون کے ساتھ کھڑا ہے. اس دن اس کا میٹنگ ہوا تھا منظور کے ساتھ, عوام بھی منظور پشتون کے ساتھ کھڑی. ہم 11 اکتوبر منظور پشتون جو عدالت لگاتے ہیں ہم اس کو سپورٹ کریں گے. ہمارا لیڈر بھی پرامن لوگوں کو سپورٹ کرتا ہے, ہم بھی سپورٹ کریں گے. منظور پشتون عوام کی بات کرتے ہیں, ایک پرامن بندہ ہے,
वो भी पुरमन अदालत लगा रहे हैं, हम उसको सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। मैं खुद वजीर आला के साथ नज़दीक जा रहा था, वजीर आला वहाँ पर जो थे ना वो उसने वो गलती किया है कि कभी के भी उस क्यों गए, लेकिन जब वो के भी वहाँ थोड़ा रेस्ट करने गए वो दो दिन हमारे साथ शिलिंग बर्दाश्त करने में फ्रंट लीड पर खड़े थे। हमारा वजीर आला एक बहादुर इंसान है, हम उनसे बहुत खुश है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसने एक गलती किया कि उस आवाम को छोड़ कर के पी हाउस क्यों रेस्ट करने गया था, उसने रेस्ट करने में बहुत गलती किया है। अगर वजीर आला हमारे साथ था ना, खुदा की कसम अगर इन लोगों ने गिरफ्तार करना था ना तो हमारे लाशों से ये लोग गुजरते फिर वजीर आला को गिरफ्तार करते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने डी चौक का जो जिद था ना वो पूरा किया है। हम मरियम नवाज को कहते हो ना, हम पठान जो है ना सात बाउंड्रिया क्रॉस करके यूरोप जाते हैं, वो हमारे लिए कुछ नहीं, ये डी चौक क्या है। ए हमारा लीडर ने कहा था कि एक दिन लगे दो दिन लगे हम डी चौक पहुँचने हो गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने डी चौक क्रॉस किया है। वहाँ पर हमारे डी चौक में खड़े होकर 10 घंटे हमने मुज़ाहमत किया है, फिर वापस पेशावर आए। हमारे कायदीन इरफान सलीम लोगों ने कहा है कि पेशावर पे भी हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करना है, यहाँ पर भी हमने सड़कों पर बैठना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर नहीं गया, मेरा तीसरा दिन है, मैं खड़ा हूँ, खड़ा था, खड़ा रहूँगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आई लव से ताल्लुक रखता हूँ, पेशावर हाई कोर्ट का वकील हूँ जी, और यहाँ पे आए हुए हैं एहतजाज के लिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह आई जी साहब भी आई हुई है, कोशिश करते हैं कि यहाँ पे अभी रेट पिटीशन अभी हम जमा करवाते हैं, इंशाल्लाह कोई हल आ जाएगा, क्योंकि ये गैर कानूनी तौर पर हमारे वजीर को सीएम साहब को उन्होंने वहाँ पे अरेस्ट किया हुआ है, ना उस पर कोई उन्होंने कोई जुर्म किया है, कुछ भी नहीं है उस पर, और उन्होंने वहाँ से उठा लिया है उसको। ये तो इस तरह बातें करें कि पता नहीं कि यहाँ पे कोई कानून नहीं है या कोई गवर्नमेंट वहाँ पे नहीं है, ये तो इस तरह लोग बातें कर रहे हैं। फिर वो क्या यहाँ से क्यों जा रहा था, भागने के लिए जा रहा था वो, इस तरह बात नहीं है, वो भागने वाला नहीं है। अली अमीन गंडापुर साहब भागने वाला नहीं है, ये लोग उससे वहाँ पे डरे हुए हैं और उनको अरेस्ट किया हुआ है गैर कानूनी तौर पर, उसको अंडरग्राउंड किया हुआ है, तो मेरे ख्वास थे कि उसको छोड़ दे सही तरीके से, क्योंकि यहाँ पे पख्तून अवाम जो है के वो बहुत गैरती लोग हैं और वो मसला पैदा बहुत बड़ा मसला पैदा हो जाएगा, उसको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। गवर्नर साहब तो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे वो रात को वो ख्वाब देखते हैं ना, तो इस तरह बातें करते हैं। अभी तक इन्होंने क्या किया है, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो हुकूमत है वो वोट से आया हुआ है और ये लोग तो वो मैंडेट छोर वाला लोग हैं, ये तो इस तरह बातें करेंगे तो इंशाल्लाह जिस तरह इमरान खान से आगे वाला अमल आएगा हम उस पर अमल करेंगे इंशाल्लाह, इससे ज़्यादा भरपूर एहतजाज इसके बाद भी करें। यही तो सबसे बड़ा मसला यही है ना कि यहाँ पे हमको पता ही नहीं होता और वहाँ से ऑर्डर मिल जाते हैं तो इस तरह वो कर देते हैं, यही तो बड़ा मसला है। इसलिए अभी अली अमीन गंडापुर किसने उठाया है, इन लोगों ने वहाँ पे उसको अरेस्ट किया हुआ है, तो ये लोग सब हम पे वो डाल रहे हैं। हालांकि ये जो यहाँ पे ज़्यादती हुई है तबाद में उसके साथ ज़्यादती हुई है, यह गैर कानूनी तौर पर उसको वो किया हुआ है, छापे मारे हैं और उसको वो किया हुआ है। तो जिस तरह आपने कहा कि वहाँ पे अली अमीन गंडापुर के साथ ज़्यादा, इस तरह इन लोगों के साथ भी ज़्यादा हुई, तो हम अपने लोगों को शहीद करेंगे, हम अपने लोगों को मारेंगे, ये सोचने की बात है, ये तो इस तरह नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल व्यस्त पागलों की तरह लोग बातें ये वो लोग बातें कर रहे हैं। अभी कहते हैं कि हमारे पास नहीं तो कहाँ चले गए, आपका वहाँ पर उनके साथ अपनी सिक्योरिटी थी, तमाम गाड़ियाँ थी, तो कहाँ चले गए।